No, that's fine. It's fine. नहीं नहीं वीडियो आ रही है कि ठीक है क्लियर अज श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के हुक्म आदेश से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पंथक कट बुलाया जिथे सारी जथेबंदियों सुनेहा दिता तो बड़ी खुशी है कि अज समुचा पंथ कट्ठा होया मैं कह सकता कि पिछले 30 साल मैं ऐजा एकता दा गल ते कठ दा मैं देखिया नहीं जिवें अज देखिया जिहड़े लोग अज तक कट्ठे नहीं सी अज कट्ठे एक प्लेटफॉर्म ते होए है ते यूनैनिमसली फैसला कीता सारी जथेबंदियां ने महापुरखां ने निहंग सिंह जथेबंदियां ने वख-वख अकाली दल जिहड़े बने उन्होंने कि आपां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान की अगवाई थले कमेटी बना के आ बंदी सिंघा की रिहाई वास्ते आप संघर्ष करांगे जो प्रोग्राम आ कमेटी बनाए गए असी सारे वो प्रोग्राम नूं मन्नांगे ते वो असी आ मिशन कंप्लीट करांगे जरा हैगा असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब की अगवाई थले कमेटी बनूगी हुण जिहड़ी जो फैसला वो करनगे श्रोमणी अकाली दल ने उत्थे बयान दिता है तो वख-वख जथेबंदियों ने भी किया कि जो कमेटी फैसला करूगी जो आदेश देंगे जो प्रोग्राम देंगे असी सारे इकट्ठे होके संघर्ष करांगे। देखो 27 साल हो गई 32 साल एक अपने सिंह नूं 32 साल हो गए जेल च 8 फुट पे 4 फुट के सैल में 32 साल रहना कितना औखा है। एक दिन परोल नहीं मिली ऐ जी बेइंसाफी मैं लगता है दुनिया के इतिहास च नहीं है। आ कोई पोलिटिकल कंपल्शन नहीं है आ एक एक श्रोमणी अकाली दल पहले भी लगातार संघर्ष करता रहा जो साड़ी सरकार सी उदों भी भाई राजोना साहब की जो फांसी का हुक्म आया उदों असी जरा मगर संघर्ष करके और फांसी का हुक्म रुकवाया राष्ट्रपति मिले प्रधानमंत्री मिले उवें अपने प्रोफेसर भुल्लर साहब की जो गल आई उदों उन्हां दी लड़ाई भी असीं लड़ी सो श्रोमणी अकाली दल लगातार लड़दा रहा पर वड्डी गल एकती हुई है कि सारी कौम सारियां जथेबंदियां एक झंडे तले इकट्ठे हो गईयां एंड मैं होर भी गल करदा जिस माहौल नाल गल हुई ए जिस प्यार नाल गल हुई ए लगदा ही नहीं सी कोई तनाव पुराना है या नहीं तो इस करके मैं धन्यवाद मैं सही कहना परमात्मा की अज मेहर हुई है परमात्मा के मतलब आशीर्वाद नाल आज बंदी सिख असी रिहा करके बाहर निकला